आज हम बनाएंगे फ्राइड पनीर टिक्का। तो आइए देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए हमने एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। तो कॉर्नफ्लोर और मैदा की क्वांटिटी हमको इक्वल इक्वल लेनी है। और अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस और हम डालेंगे अभी 1/2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और नमक स्वाद अनुसार डाल देना है हमें। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसकी हमें एक अच्छी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाली स्लैरी बनानी है। तो इस तरह से हमें ये स्लैरी चाहिए। तो ये हमारी स्लैरी बनके रेडी हो गई है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये पनीर हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम। हमने ये डाइस में कटे हुए ऑनियन और कैप्सिकम लिए हैं। तो हमें ये अभी एक टूथपिक में इस तरह से सेट करने हैं। पहले ऑनियन डाल दिया हमने, एक पीस पनीर डाल दिया और आगे कैप्सिकम डाल दिया। तो इस तरह से हमें सारी स्टिक्स को रेडी करना है। तो ये हमारे जो पनीर टिक्का की रेसिपी होती है उसी तरह से ही है। इसको हमें खाली मैरिनेट नहीं करना है। तो इस तरह से हमें सारे स्टिक्स रेडी करने हैं। और अब हमें इसे ये स्लैरी जो हमने बनाई थी एक एक स्टिक को उसमें चिप करके और हमें डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल पहले ही प्री हीट करने रख दिया था। तो ये हमारी स्टिक हमने डाल दी ऑयल में और इस तरह से फ्राई कर रहा है हमें जब तक उसका कलर इस तरह से गोल्डन ना हो जाए। और ये हमें एक एक करके ही डालनी है ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो जाए। तो ये हमारे सारे पनीर टिक्का स्टिक्स रेडी हैं और हमने यहाँ पे ऊपर से चाट मसाले से उसको स्प्रिंकल कर दिया। तो ये हमारे फ्राइड पनीर टिक्का खाने के लिए रेडी हैं।